राम हो राम। चारी नर को जन्म देती जग में, सुखद स्नेह सपना सजाती है नारी। नारी के उर में हरमते नारायण, महामाया जग में कहाती है नारी। तो नारी नजर सर से बेधे जिगर को, अरे मोहब्बत का मलहम लगाती है नारी। तो नारी से कोई नहीं पार पाया, भटकते को राह बताती है नारी। भैया एक गाने में हमारे स्वर्गीय चंद्रिका कवि नारी की परिभाषा दिए थे कि गजब नारी की परिभाषा मेरी दुनिया बताती है, और कभी माता बहन वेश्या कभी बेटी कहाती है। लेकिन यहां कवि जी नारी की परिभाषा दिए कि नारी के उर में है रमते नारायण, महामाया जग में कहाती है नारी, और नारी से कोई नहीं पार पाया, भटकते को राह बताती है नारी। देखा भैया मौज वाली तर्ज बा, नई नई तर्ज निकल बा। कैसे भैया यार, भैया कैसे बा यार, तोड़ी दे बोतल छोड़ दे पीना है बेकार रम। अरे तोड़ी दे बोतल छोड़ दे पीना है बेकार रम। क्या बात कहूँ मैं आठ पते की सुन मेरे हमदम। अरे बात कही ना हम। ए भैया बतिया बा, फिर से सुना दें ताकि जो कि याद ना हो फिर याद कर ले। कि अरे तोड़ दे बोतल छोड़ दे पीना है बेकार रम। और कि बात कहूँ मैं आठ पते की सुन मेरे हमदम। कि मार जरा ये कुदम, कि अरे मार जरा ये कुदम, कि अरे भूल जाए सब गम। दमा दम दम दमा दम दमा दम दम दमा दम दमा दम लेकिन तनी जगह का बात कभी देहलन का कि गीत प्यारी की दुनिया गाए झुम झुम हर दम। अरे प्यार है पावन प्यार सुधार सु प्यार है सब नम। कि अरे बात कही ना हम कि पायल बाजे क्षमा छम छमा छम छम छमा छम तर्ज बदल गई। फिल्म का नाम बा घर द्वार, फिल्म का नाम घर द्वार, तर्ज है बात तने कन भर के दे बा। हाँ दोनों के बीच में कर रहा है भैया भैया। फिल्म का नाम बा घर द्वार, तर्ज है बात तने कन भर के दे। कि अरे मेरा बलमा, अरे मेरा राजा हमारे चिजू, अरे मेरा बलमा छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। यह तर्ज बा, लेकिन कवि जी गनवा में लिखले बाटन कि नारी की गरिमा ज्ञान, नारी की गरिमा ज्ञान गहराई सब ना जाने ला। नारी की गरिमा ज्ञान गहराई सब ना जाने ला। नारी की गरिमा ज्ञान गहराई सब ना जाने ला। नारी में माता की परछाई सब ना जाने ला। अब देखा गाने का स्टोरी शुरू हो गई कि सजी सेज पर धर्मराज संग सोई द्रौपदी रानी। ये गाना हम ये लिए शुरू कर दे कि आपके जीवन में जब गाना सुनबद आप आई गई ला
ननदी भौजैया कजरवा टिकुलिया तरतिया भर सुनबे करवा। लेकिन दू एक बात ऐसा तनी सुन ला कि आप लोग के जीवन में कुछ काम हो, कुछ ज्ञान का बात आ जाए। आप यह बात जरूर जानते होंगे महाभारत के अंदर कि द्रौपदी पांचों भाई पांडवों की औरत थी। और आजकल करताल सही करा खुनून खुनून ना करे हमारे स्टेज पर करताल आजी बा। और देख लेवा कि कोनो मर्दे से बतियाओ तो दूसरे मर्दे से तो कुछ ना कहवा तो इतना जरूर सोचवा कि बुझात है कि वो आरा लगत है। इतना कह दे बाकी बुझात बाकी हमारा लगत है। लेकिन यह सभी लोग जानते हैं कि द्रौपदी पांचों भाई पांडवों की औरत थी। पांच पति की औरत होते हुए भी द्रौपदी को हमारा समाज सती की संज्ञा दे दिया, कुछ कारण जरूर रहा होगा। और एक बात और नहीं जान ला कि पांचों भाई पांडव में धर्मराज एक ऐसे थे कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात को जानते थे। अब यहीं से गाने की स्टोरी शुरू हो गई। गौर करें गाने के ऊपर कि सजी सेज पर धर्मराज संग सोई द्रौपदी रानी। और एक दिन सेज पर धर्मराज के साथ द्रौपदी सुतल बाटी और धर्मराज से एक बात कहलिन का कि सजी सेज पर धर्मराज संग सोई द्रौपदी रानी। अरे नेक विवेक आपके लगवाए, अरे नेक विवेक आपके लगवाए, अरे बोली मधुरी बानी आ सेवा करिए चरण दबाई सब ना जाने ला। धर्मराज से द्रौपदी कहली करे धर्मराज आज हमारी इच्छा हो कि जैसे नौकर अपने मालिक के चरण दबा करके सेवा करेलन वही तरह हमारे चरण दबा करके सेवा करता तो हमार दिलवा इतना खुश हो जात, हमारी यही इच्छा हो। अरे बाप रे बाप धर्मराज जब बतिया सुनलन तो इतना खुश इतना खुश इतना खुश कि समझ ला कि इतना खुश हो गई लन। इनकर करेजा एकदम दूना हो गल, छाती गदगद हो गल। करे बाप रे बाप आज अपन चरण दबाओ बदे हमके कहलू बहुत खुश बाटन। मेरे दोस्तों आज कल का मेहरारू अपने मर्दे से कह दे कि तनकर हमार बहिया नहीं दबा देता चाहे अंगुरिया पुटका दा तो हमारे मतिन पानीदार मर्द रही तो मारी उनका कुंडरी भसक जाई। लेकिन धर्मराज ऐसा ज्ञानी महापुरुष द्रौपदी उनके चरण दबाव बदे उनके कहलिन और इतना खुश कुछ कारण रहल इतना खुश भैलन कि कहत का बाटन एक थे तर्जबा। आई तर्जबा वह बजन शारदा सिन्हा करी का दवा इसमें बजत बा। ये जो मास्टर बजावत हवन ऊटा हो तो तर्जबा अरे उजर बकुल बिना पिपरो न सोहे कोयल बिना कि अरे उजर बकुल बिना पिपरो न सोहे कोयल बिना अरे बगिया न सोहे राजा कोयल बिना बगिया न सोहे राजा कोयल बिना कहलन का कि अरे खोजल बाजारिया में पीतियो न पोइबू सजन बिना कि अरे खोजल बाजारिया में पीतियो न पोइबू सजन बिना अरे सुखवा न पोइबू गोरी सजन बिना अरे बिना बाती का जगमग ज्योति न पोइबू मिलन बिना अरे सुखवा ना पैबू गोरी मिलन बिना। अब तर्ज बदल गई। फिल्म का नाम बा बसुरी जोर से बता दे का मोगे में बोल ठीक है भाई गाय का। फिल्म का नाम बा बसुरिया बाजा गंगा तीर। मर्दे की तरह मर्दवा तो मर्दे मतीन रहा मर्दवा तो मर्दे मतीन रहा। फिल्म का नाम हो बसुरिया बाजा गंगा तीर। तर्ज बा कि अरे पियर धोती मखमल का चोली कि अरे पियर धोती मखमल का चोली अरे मुख में मगहिया पानी आई हो दादा हो आई हो दादा गोर की पतर की मरल सजान आई हो दादा
लेकिन धर्मराज द्रौपदी से का कहलन कि अरे बोले धर्मराज ऐसी अरे दे रही प्यार यही हो दूलही अरे हम तोहार ताबेदार दावन लागे धर्म चरनिया और देख भीम का जरल बदनिया। खिड़की के रास्ता से अकस्मात भीम की नजर पड़ गई। भीम देख लल रे बाप धर्मराज भैया के हम लोग महान मानी ले जा और तो द्रौपदी के चरण दबावत हवन। अरे नीच कुलटा पापिन द्रौपदी धर्मराज भैया से अपन चरण दबावत बा। अब भीम के गुस्सा की मारे ना रह गयल। भीम अपन गदा लेके लगल कुदे और कुदत कुदत गईलन कहा कि अरे तिरिया चरित्र से हार विधाता अरे लेकर के गदा भीम कुदत हवन और कैसे कुदत हवन कि अरे तिरिया चरित्र से हार विधाता अरे जाने ला संसार दुलही अरे मेहर बसुआ भैया भैला हमार ए भैया और ले करके गदा भीम पहुंचलन द्रौपदी के पास में कि मारी मस्तक अगर फट जाके एकदम मर जा दरिया एकदम। लेकिन जो ने समय पहुंचलन है भीम तो वो समय भयल का लखना देख के हट जा दामन में कुल के लागल दगिया अरे चूम चरण सिंधु सरिता का बनी के पागल एक खेत तर जा गई यार और तर्जवा वह बा अरे कहवा खार चुनावा अब बिचो में हजीबा भैया लोग कहवा के हो पान कहवा के टीपुली अरे कहवा के टीपुली अब लीला रवा मारे हो जान कहवा के टीपुली इधरवा मारे हो जान कहाँ कटी तूली इधरवा मारे हो जान कहाँ कटी तूली इधरवा मारे हो जान कहाँ कटी तूली तो लोग कर जवाब देना गवैया लोग कर जवाब देना कि अरे यारा के खार चुनावा यारा के खार चुनावा अरे पटना के पान बक्सर कटी कुली गैल भैंस पानी में हम कहला की हुगली के टिकुली तो हम प्रकाश भाई कहला की बक्सर के टिकुली और जब बक्सर का नाम लेला ना तो हमारे करजवा एकदम कचोट के रह जाला और हम ई लोग बक्सर के कहलन काहे कहला भी नहीं बता सकीला। लेकिन हम यह कहला कि अरे यारा के खार चुनावा अरे बनारस का पान हुगुली कटी कुली अरे हुगुली कटी कुली अरे लीलो रो मारे हो जान हुगुली कटी कुली। जब ये शुरू भइल तब सब लोग गावे लगल तो सब लोग गावे लगल तो एक हम दूसर फिट कर देलिन हम ये फिट कैलिन कि एक दुल्हिन का दुल्हा अक्सर आप लोग देखत होबा कि जब कमाए लोग जालन तो दुल्हन अगर शौखीन रही तो अपने दुल्हा से कुछ न कुछ डिमांड रखी देली कुछ न कहन मांग रखी देली कुछ न कहन तो कहें ए दुल्हा तनिक हमके झूलनी लेता या क्यों कह दे कि हमके साड़ी लेता या क्यों कह दे कि हमके उत्थू लेता या हाउ तो कुछ न कुछ लोग मांगी देली ओके चिज्जू कह जला कुछ न कुछ लोग मांगी देली अपने मर्दे से। एक थे दुल्हन रहल बड़ी शौखीन भैया भैया एक थे दुल्हन रहल बड़ी शौखीन इतनी शौखीन इतनी शौखीन के बता दी समझ लग कितनी शौखीन बताई ना समझ आप लोग रहल बड़ी शौखीन। और अक्सर आप लोग देखत होबा कि जब ने दुल्हन के मर्द अगर कमाए चल गए वो घरे रह ली जवान बाटिन तो वो अपने मर्दे पर बिगड़े ली भी अगर चिट्ठी उठी नहीं भेजलन तो बिगड़े ली कुछ ना कहिए तो चार ठे गाड़ी जरूर दे देली सबरवा उठियन तो जरूर कहन की फुकौना अपने रुपया कमा था कर माप लोग हमारे जवानी ना देखा था कर माप लोग इतना जरूर कह दे इतना जरूर कह दी हन। लेकिन ओकर मर्द जन बाटन
ओकर मर्द कमाए मोरंग जाए लगलन। ये दुल्हा जब मोरंग जात हवा तो मोरंग में मोर बहुत होलन, तो एक थे हमारे खातिर मोर अगर ले तैबा तो वही मोरवा का ठोरवा कोरवा में ले की और देख देख के सब बुर करती। वो बेचारू गईलन जरूर लेकिन वही तरह लवटीलन जान बुझ के मोरवा नहीं ले लेन। तो उनका दुल्हनिया झोला झकड़ कुल झोला टोला मोटरी गठरी कुल देखल कुल देख के देख लो कहो कहो मोरवा ना ले ला। कहना देख मोर तो जान बुझ के ना ले दिन है तो बतावत हो कि काहे ना ले ली। पूछती कि काहे नहीं तू ले आईला के देहल मोर मोरंग गई ले कि अरे पिया मोर मोरंग गई ले अरे मोरवनी के देश मोर पिया मोर ना ले आईले अरे मोर पिया मोर ना ले आईले अरे बज्जर पड़े हो दे समोर पिया मोर ना ले आई ले। तो कह कि देख काहे बदे मोरवा नहीं ले ली बतावत अपने दुल्हनिया से मरदा कि अरे धनिया हम मोरंग गईली अरे मोरवन के दे समोर धन मोर ना ले आई ली अरे मोर धन मोर ना ले आई ली अरे मोरिनिया के लागी हो ठे समोर धन मोर ना ले मोरिनिया के लागी हो ठे समोर धन मोर ना ले मोरिनिया के लागी हो ठे समोर धन मोर ना ले मोरिनिया के लागी हो ठे समोर धन मोर ना ले तई तरह हल तर जा अपनों के मौज बदे लेकिन कि आप लोग का मनवा भकनक भाव एकदम जगह कर रहा है कि भीम अपन गदा लेकर के द्रौपदी के मस्तक पर चलावल चाहत हमन और तब तक भयल का कि अरे द्रौपदी का पराली नजरिया अरे बतिया ले बाहो जान दुर्गा का रूपवा बनवली अरे दुर्गा का रूपवा बनवली अरे भाग चले भीम बलवान दुर्गा का रूपवा बनवली। देखा अब यही से कहानी मोड़ ले ली दूसरे तरफ, विचित्र बात मिलेगी आपको भैया हो। अब ये अपन गदा चलावल चाहत हो भीम द्रौपदी देखली की गदा आवत बा तब तक अपन रूप बदल करके द्रौपदी का रूप छोड़ करके दुर्गा बन गई ली। अष्टभुजी दुर्गा बन करके गुस्सा में लाल भीम के लहली खदेड़ अब भीम के जोर का था नहीं कि इनके जोर का हो गया कानी पर गदा धैले भागत जाए ताकत जाए भागत जाए ताकत जाए। तीनों त्रिलोक में भीम भाग आए लेकिन कहीं भी इनको शरण नहीं मिली। तो एक छत्तर जा गिल मास्टर चला। फिल्म का नाम बा बिहारी बाबू अत्तर जो है बा तर के बढ़ के दे बा कि अरे राखी हर साल कहे ले वह हाथ बजी मास्टर कि अरे राखी हर साल कहे ले सावा नावा में राखी हर साल कहे ले सावा राखी हर साल कहे ले सावा अरे अपने बहिनी के हो अरे अपने बहिनी के रखी हा भैया मनावा में और राखी हर साल कहे ले सवनवा में। लेकिन जगह का बतिया कि अरे भाग भीमा नहीं पावेला सरनिया हो कि अरे भैली से जिया का दुलहिन नगिनिया हो अब भाग भीमा नहीं पावेला सरनिया हो तब पीछे नहीं ताक भीम डरिया के मारे दर दर भाग रहे भीम बिचारे अरे नारी मर्द का लुटा वाली पनिया हो अरे नारी मर्द का लुटा वाली पनिया हो अरे भाग भीम नहीं पावेला सरनिया हो। तीनों त्रिलोक में भीम भाग आए और पीछे मुड़ करके देखा तो द्रौपदी दुर्गा के रूप में खदेड़ले बाटी कहीं भी इनको शरण नहीं मिली। एक जगह भीम के शरण मिलल कौने जगह तर्जवा बदल गई तर्जवा जन और रतिया नकटा गीत गावलीन कि तोरे पीछवा रवा एक छिछली गढ़िया महाराजा वारी अरे फूलवा फूलला कचनार महाराजा वारी
एमा कुल बड़ा डुप्लीकेट बाटा भैंसा सैसा वाली छोड़ दे जगह बात सुना कि अरे पीछे नहीं ताकत भीमा डारिया के मारे भीमा बीरावा हो अरे भीमा बीरावा हो अरे पावा नहीं कतहु ठेकान भीमा बीरावा हो तो भागा तो गईल द्वारिका पुरी में भीमा बीरावा हो अरे कहई का भईल भगवान भीम बीरावा हो भागते भागते द्वारिका पुरी में कृष्ण जी के सामने पहुंच गए भीम चरण पकड़ करके रोने लगे कन्हैया जी कहले कि भीम काहे बदे रो अथवा कहे भगवान कुछ कहने का वक्त नहीं है सामने देखिए नजर गई भगवान की द्रौपदी बहन को दुर्गा के रूप में देखते हैं सिंहासन से उठ करके कन्हैया जी पहुंचे जाकर हाथ जोड़ लिए द्रौपदी का गुस्सा थोड़ी सा शांत भइल तब भीम के बुलवा करके कन्हैया द्रौपदी के चरण पर गिरवा करके माफी मंगवाए और तब द्रौपदी का पूरा गुस्सा शांत हो गई तो द्रौपदी अपने असली रूप में आके बतावे लगली कि अरे भीम तुम भी सुनो कन्हैया तुम भी सुनो तुम लोग मेरे असली रूप को नहीं जानते हो वही जानते हो जो पूरी दुनिया जानती है कि मैं पांचों पांडवों की औरत हूं लेकिन मैं पांचों पांडवों में किसी की औरत नहीं हूं बल्कि मेरा असली रूप क्या है तब भीम और कन्हैया के सामने द्रौपदी अपन असली रूप बतावे लगली का बतौली हाय कि अरे पार्वती हम भोले का जननवा मुरली वाले हो अरे पार्वती हम भोले का जननवा मुरली वाले हो और एक दिन घूमत रहली बीचे बनावा मुरली वाले हो तो एक गाय संग पांच साढ़ करते रतिक्रिया भाई हो और देख के हमके हंसी आ गई बोली गायरी साई हो हर जाई तुम मारेलू मेहनवा मुरली वाले हो और नारी हो रखलू भैंसा सजनवा मुरली वाले हो बतौलिन कि एक बार हम पार्वती के रूप में शंकर भगवान के साथ जंगल में घूमत रहलिन हमार नजर पड़ गई कि एक गैया के साथ पांच सांड रति क्रिया कर रहे थे मुझे हंसी आ गई और जब हंसी आ गई तो गैया मुझे श्राप दे दी कि हमार पांच ठे पति देख करके हंसत हो द्वापर युग में तोहरे भी पांच ठे पति हुई हन तो वही गैया का श्राप द्वापर में आकर के हमके लगल कि हमारे पांच ठे पति भइलन अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर लेकिन ये तो कहने के लिए पति है वास्तव में किसी की पत्नी हूं नहीं इसलिए कि मेरा तो सात रूप है तो यह याद करे वाली बात है कि द्रौपदी अपन सात गुरूप कवन कौन बतौलिन तनिकन बढ़ के दिया हाय कि अरे सुन ल कन्हैया हो मुदी का मनावा अरे ये कही जान ल जहानवा मोर सात सनवा नवा हो सात नवा बाबूजी यह अपन सात रूप बतौली स्वाहा संध्या सावित्री स्वधा गायत्री द्रौपदी और पार्वती ये मेरा सात रूप है तो द्रौपदी और पार्वती वाला दो रूप छोड़ करके शेष जो पांच रूप बचते हैं इन्हीं पांचों रूपों में पांचों पांडवों के साथ मैं शेष पर सोई ही औरत के रूप में द्रौपदी और पार्वती वाला रूप अब भी मेरा पवित्र है माता का रूप है लेकिन पांच रूप में पांचों पांडवन के साथ सुतली तक कौने रूप में के करे साथे सुतल बाटी ई का बतौलिन कि अरे स्वाहा संग सादे संध्या संग में सोए नकुल अरे गायत्री संग धर्मराज सावित्री संग अर्जुन मूल स्वधा संग भीम बलवा नवा हो सात तनवा बाबूजी ये पांच रूपये का पुरस्कार दौड़ करके द्रौपदी के चरण पर गिर गए कि माँ मुझे क्षमा कर दे भेद जान कर खेद किए तो जोड़े भीम है नाता अरे चरण पर जाकर गिर गई लकी जग जननी तू माता और तलिय का छुए दा चरा नवा होता गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मोर बाका कथन करते कभी चंद्रिका बच्चन का विजय पताका अरे दामन में कुल के लागल दगिया अरे बेचन रामा कभी का मना